जीवों में विविधता भाग चार। पिछले भाग में हमने एनिमेलिया को 10 उपवर्गों में विभाजित किया था। अब तक हम एनिमेलिया वर्ग के 5 उपवर्ग पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, निमेटोडा, एनिलीडा जैसे उपवर्गों का अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ में हम अन्य 5 उपवर्ग आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा उपवर्गों का अध्ययन करेंगे। आर्थ्रोपोडा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है तथा इनका शरीर खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। इनकी देह गुहा रक्त से भरी होती है तथा इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनके कुछ सामान्य उदाहरण हैं झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। दिए गए चित्रों में आप आर्थ्रोपोडा जगत के तितली तथा केकड़े को देख सकते हैं। मोलस्का, इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है। इनके शरीर में थोड़ा विखंडन होता है जो कि अब तक किसी भी जंतु में हमने नहीं देखा है। अधिकांश जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती है। इनके कुछ उदाहरण हैं घोंघा, सीप इत्यादि। दिए गए दृश्यों में यूनियो और घोंघा जैसे मोलस्का जंतुओं को दर्शाया गया है। इनके इस बाहरी आवरण को कवच कहा जाता है जो कि इन मोलस्का जंतुओं की एक विशेषता है। इकाइनोडर्मेटा, ग्रीक में इकाइनस का अर्थ है जाहक अर्थात हेजहॉग और डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये सभी मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये देह गुहायुक्त त्रिकोरक जंतु है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल यंत्र पाया जाता है जो इनके चलने में सहायता करता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे भी पाए जाते हैं। उदाहरण है स्टारफिश, समुद्री अर्चिन इत्यादि। दिए गए दृश्यों में इकाइनोडर्मेटा के कुछ उदाहरणों को दर्शाया गया है। प्रोटोकॉर्डेटा, ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरक एवं देह गुहायुक्त जंतु है। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण भी दर्शाते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है जिससे चलने में आसानी हो सके।
प्रोटोकॉर्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में प्रोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। इनके कुछ उदाहरण है हार्डमेनिया, बेलेनावलोसिस इत्यादि। दिए गए उदाहरण में आपको बेलेनावलोसिस का दृश्य दर्शाया गया है। वर्टिब्रेटा, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकाल पाया जाता है। इसके कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है एवं पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो इनके चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व सममिति त्रिकोरित देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। वर्टिब्रेट के कुछ उदाहरण हैं हाथी, मानव आदि। तो हम कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला नोटोकॉर्ड, दूसरा प्रश्नलीय कशेरुक दंड, तीसरा त्रिकोरित शरीर, चौथा युग्मित क्लोम थैली और आखिरी देह गुहा। वर्टिब्रेट को भी पांच उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये पांच उपवर्ग हैं मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी इत्यादि। इन सभी के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।